उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक परिवार में जमीनी विवाद का मामला इतना ज्यादा बड़ा कि एक भतीजे ने अपनी ही सगी चाची को मौत के घाट उतार दिया। मृतका आरोपी को जमीनी विवाद को लेकर सही राह दिखा रही थी, लेकिन भतीजे ने उसकी एक न सुनी और दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। वहीं दिन दहाड़े हुए हत्याकांड से पूरा हल्द्वानी शहर सहम गया है। जानकारी के मुताबिक नवाबी रोड क्षेत्र में आरोपी ने हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब मृतका के पति किसी काम को लेकर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर अपनी चाची पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए और मौके से फरार हो गया, जबकि महिला बदहवास होकर वहीं गिर पड़ी। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के पति ने कहा कि उनका भतीजा आए दिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था और वो और उनकी पत्नी भतीजे को झगड़ा न करने के लिए समझाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें ही मार देगा। भतीजा है, किस तरह से हमला किया है? अब मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन मैं मुझे तो किरायेदार का फोन आया था, बोला दादा जल्दी से आ जाओ, किसी लड़के ने चाकू मार दिया। अच्छा। तो मैंने कौन था बोला, वो उस दिन आया था, मैंने वैसे सगा सर जानता, नाम नहीं जानता, तो मैंने ठीक है मारा हूँ। आया देखा तो ये लहूलुहान पड़ी थी वहाँ, तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आई, फिर पुलिस वाले वगैरह आए सब, तो ये लोग पुलिस वाले हम सब थे इसमें, उनकी पुलिस वाले गाड़ी में लेके आए इनको। ये कौन है आपकी और जिन चाकू मारा, कौन है? ये मिसेज है हमारी। क्या नाम इनका? कुसुम गुप्ता। और जिन चाकू मारा? गौरव गुप्ता, भतीजा है वो, छोटा, सबसे छोटा। क्या करता है वो? ये कोरियर वाला काम। कोई किसी रंजीत के मारे? रंजीत नहीं थी, इनका आपस का झगड़ा चल रहा था, इनके घर का बंटवारा का। और हम लोग चाचा है तो समझाने तो जाएंगे ही, तो समझाने जाते थे, उसी रंजीत वही था, बस यही है। फिलहाल हत्या के बाद से आरोपी भतीजा फरार है, पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। आज दिन में लगभग 12 बजे हमारी कोतवाली हल्द्वानी में ये सूचना आई कि किसी महिला को चाकू से हमला किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा। मौके पर हमारा पुलिस बल, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली हल्द्वानी और 112 की गाड़ी मौके पर गई। उनके द्वारा वहाँ पर देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है और उसके दबिश के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे आशा है कि उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी की तरह ही उत्तराखंड में भी अब जमीनी विवाद को लेकर हत्या करना आम बात हो गई है। जो चीज़ें पहले यूपी तक सीमित थीं वो अब उत्तराखंड में भी पैर पसार रही हैं। दबंग बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। पुलिस को ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कोई दबंग भी 100 बार सोचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।